नियत से लें। ऐसा भी हो सकता है मैं ये सोचूं मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, क्या करूँ पैसा रखकर, सोना ख़रीद लेता हूँ, सोना भी ख़रीद किया करो, बीवी बच्चों के लिए जेवर बना देता हूँ, ये करता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो एक शक्ल में आ गया कैश, उसको आपको देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोना ख़रीदते हैं, सोना ख़रीदने के बाद क्या करते हैं, बेटे तुमको 7 तोले सोना दे दिया, बेटी तुमको 7 तोले सोना दे दिया, लेकिन एक्चुअल मालिक नहीं बनाते वो, खाली वर्चुअली, ताकि वो लिया हुआ सोना बढ़ जाए, क्योंकि सोना 8.5 तोला या उससे ज़्यादा होता है ना, उस पर वो 7.5 तोला पुराना तोला, याद रखिए पुराना तोला होता था 11.66 ग्राम का, ठीक है, और आज का तोला होता है 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम के हिसाब से आज वो जो 7.5 तोला है वो बन जाता है 8.5 तोला, मतलब 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आज के एतबार, तो 85 ग्राम्स पे लगता है, उससे ज़्यादा हो तो पूरे भी लगता है, तो लोग क्या करते हैं 8.5 तोला सबको बांट देते, तो उन पर भी ज़कात नहीं, अपना भी बच जाता, लेकिन है किसका एक्चुअल मालिक कौन है, खुद है, लेकिन क्या करें, ज़कात बचाने कर रहे हैं, मत कीजिए अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला सब जानता है, नियतों को जानता है, तो धोखा मत दीजिए, लिहाजा जो नियत है उसके एतबार से इंशाल्लाह साफ अमल करें।